हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका असम कृषि टीवी चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई मादा खरगोश बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो आपको क्या करना चाहिए और बच्चे को कैसे दूध पिलाना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मादा खरगोश को अच्छे से पकड़ना होगा। तो कैसे पकड़ना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ज़्यादातर देशी खरगोश जो है वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, मतलब वो घोंसला ही नहीं बनाते हैं बच्चों के लिए और बच्चे को बिल्कुल दूध नहीं पिलाती है। दोस्तों, इन हालात में आपको क्या करना होगा, खरगोश को अच्छे से पकड़ना होगा। तो देखिए, इस तरह खरगोश को पकड़ कर बच्चे को दूध पिलाना होगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर खरगोश के बच्चे रखे हैं। तो ये मादा खरगोश सिर्फ दो ही बच्चे जन्म दिया है। तो ऐसा कभी होता है, कभी कभी एक बच्चे भी होता है। तो ये पहली बार बच्चे दिया है, सिर्फ दो बच्चे हुए। तो सबसे पहले आपको खरगोश को थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, मतलब रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि वो बच्चे के लिए दूध रिलीज करे। तो देखिए, सिर्फ दो बच्चे ही हैं, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। तो इसको हम बाहर निकलते हैं। तो ये रहा एक और ये है दो। दोस्तों, जब खरगोश बच्चे जन्म देता है उस वक्त उनके कोई बाल नहीं होते हैं और आँख जो है वो भी बंद होता है। ये देखिए, इन बच्चों को आँख है वो टोटली बंद है, ये देख नहीं पाते हैं। माँ का जो सैंड है वो सुनकर उनके पास जाती है। तो सबसे पहले आपको खरगोश को एक हाथ से कान पकड़ना होगा और सिर को, और दूसरे हाथ से पिछले हिस्से जो पैर है उसको पकड़ना होगा और इस तरह लेटा देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को माँ के पास ले जाना है। तो उसके बाद खरगोश के बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली दूध पीने लग जाएंगे। ये देखिए, तो ये पी रहा है। तो मादा खरगोश अपने बच्चे को लगभग 2 से 3 मिनट तक दूध पिलाती है। तो आपको इसे भी 2-3 मिनट पिलाना होगा और दिन में 2 बार पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, एक है सुबह और एक है शाम। तो ये देखिए, कितनी अच्छे से माँ का दूध पी रहा है। तो थोड़ी देर बाद उनके जो पेट है वो फूल जाएगा, मतलब दूध पीने के बाद जो पेट है वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। दोस्तों, खरगोश के बच्चे को दूध पिलाने के समय आपको यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि सभी बच्चों ने दूध पिया है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं इसलिए हम वो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे अच्छी तरह दूध पी लेंगे। लेकिन अगर कोई मादा खरगोश 8-10 बच्चे देंगे तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होता है जो दूध बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो इसे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम खरगोश के बारे में ही वीडियो बनाते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।